घटना चक्र में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज जिस विषय पर चर्चा करेंगे वो थोड़ा लीक से हटके है लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण है। वो है गांधी जी, मोहनदास करमचंद गांधी। वो बापू कैसे बने, कहाँ बने, और जो उन्होंने सत्याग्रह की भारत में शुरुआत की वो कहाँ हुए, आप सब जानते हैं। 100 साल मनाया जा रहा है, मना रहे हैं सत्याग्रह के 100 साल, चंपारण में, बिहार के चंपारण में जिसकी शुरुआत हुई थी। और उसी पे चर्चा करने के लिए जो हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं अवधेश कुमार जी हैं, हमारे साथ सुनील चोपड़ा जी हैं, हमारे साथ हरिकेश बहादुर जी हैं, हमारे साथ पुष्पन कुलश्रेष्ठ जी हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं अवधेश जी, 15 अप्रैल 1917 और 15 अप्रैल 2017, 2017, 100 साल हो गए। 100 साल एक लंबे अरसे के बाद अगर उस सत्याग्रह को आज हम देखें तो आप किस तरह से इसको देखना चाहेंगे कि कैसे 100 साल को आप कैसे समेटना चाहेंगे कुछ शब्दों में? 100 साल को उस सत्याग्रह को याद करना जो है वो इस बात को याद करना है कि एक इतने व्यापक पैमाने पर जो वहाँ के किसानों का शोषण हो रहा था, जो नीलाह किसान थे वो इतने मजबूर थे, वो मतलब आपको मजबूरी में पहले तो 1 बीघा में 5 कठिया प्रणाली थी, 1 बीघा में 5 कट्ठा 20 कट्ठे में 5 कट्ठे में आपको नील उगाना ही है, आपसे कराया जा रहा है। बाद में 3 कट्ठे हुए, उसके एवज में जो पैसे दिए जाते थे वो इतने नहीं होते थे कि जीवन चल सके, उसके कारण उपज घटने लगी, लोगों के स्वास्थ्य पर बुरा असर होने लगा, नील के पानी में लोग हड़े हो गए थे मनुष्य होते हुए भी। तो ये इतना शोषण था और उस शोषण के बाहर और उस शोषण के खिलाफ एक आवाज उठी थी, और उस आवाज में देखिए उस जो आंदोलन की खासियत थी कि न उसमें कोई बड़ा आंदोलन हुआ, न गांधी जी को अनशन करना पड़ा कहीं बैठने के बाद, न कोई बहुत धरना प्रदर्शन हुआ, इसके बावजूद इतना बड़ा शोषण का जो है वो समाप्त हो गया, वो असाधारण घटना थी वो। लेकिन हम जब इसकी चर्चा करते हैं चंपारण सत्याग्रह की तो हमको ये ध्यान रखना चाहिए कि महात्मा गांधी उसके पहले जब वो चंपारण पहुंचे थे उसके पहले दक्षिण अफ्रीका में एक दूसरे देश में वहां की गोरी सरकार के विरुद्ध जो नस्लवाद नस्ल भेद था कालों के खिलाफ उसके विरुद्ध एक सत्याग्रह करके वो सफल हो चुके थे, उनका अन्भव था उसका। उन्होंने वहां ज्यादा अन्याय भारत की जमीन पे उन्होंने ज्यादा विरोध नहीं, इसको जब तक आप दक्षिण अफ्रीका के सत्याग्रह को नहीं समझेंगे तब तक तो आप मोतिहारी के सत्याग्रह चंपारण सत्याग्रह गांधी इसलिए सफल हुए, जैसे जब गांधी चल रहे थे, जब गांधी जा रहे थे रास्ते में ही उनको कलेक्टर का ऑर्डर मिलता है कि आप चंपारण जो है 24 घंटे के अंदर खाली कर दें, आपको आपके यहाँ रहने से और यहाँ कानून और व्यवस्था की समस्या खड़ी हो जाएगी, शांति भंग हो सकती है। गांधी जी ने पुर्जा अंदर रख लिया और गांधी जी ने कहा कि मैं नहीं जाने वाला हूं। यह साहस उनको दक्षिण अफ्रीका से ही पैदा हुआ था, दक्षिण अफ्रीका के गोरी सरकार ने उनको देश छोड़ने के लिए कहा था लेकिन वहां हार गए थे, वहां उन्होंने अखबार निकाला, वहां जेल भी गए, वहां लड़ाई भी लड़ी, तो वो उनके दिमाग में, और वो 1909 में हिंद स्वराज लिख चुके थे, मतलब भारत की एक पूरी कल्पना और सत्याग्रह की कल्पना उनके अंदर थी। और जब उनको ले जाया गया, जब वो कोर्ट में अपीयर हुए तो जज ने कहा कि भाई आपका वकील कौन है, तो हमारा कोई वकील नहीं है। सुनील चोपड़ा जी, 100 साल सत्याग्रह से जो मेरा सवाल था अवधेश जी से, हम आज क्या ड्रॉ कर रहे हैं उससे क्या निकाल के हम देख रहे हैं? मेरे लिए जो मुख्य चीज थी वो ये थी कि गांधी जी बड़ा आहिस्ता आहिस्ता इस सत्याग्रह में गए। इनके पीछे लगे हुए थे 3 आदमी, शेख गुलाब, पीर मोहम्मद मुनीस और राजकुमार शुक्ल। ये 2 साल लगे रहे, गांधी जी को जहां जाते थे मिलते रहते थे, और ये आए पंडित सुंदरलाल उनके द्वारा। और उससे मेरी जो समझ इस आंदोलन की है कि जनता इतिहास बनाती है अगर नेतृत्व तैयार हो जाए उस जनता का नेतृत्व करने को जी। तो पहली चीज तो ये, दूसरी चीज जो है वो ये है कि ये जो आंदोलन था ये आंदोलन का ठोस आधार था। लोग परेशान थे और लड़ाकू भी थे, और उस आंदोलन के दौरान गांधी जी ने जो किया उन्होंने किया कि इस आंदोलन के दरवाजे उन्होंने उस कुलीन तबके पे भी खोल दिए, जैसे कि बाबू राजेंद्र प्रसाद थे, आचार्य कृपलानी थे,
जो इंटेलेक्चुअल्स उस जमाने के, अपर क्लास इंटेलेक्चुअल्स भी कहे थे, मिडिल क्लास इंटेलेक्चुअल्स, गांधी ने जब किसान और इंटेलेक्चुअल्स के बीच लिंक बना दी तो आप समझ लो कि अंग्रेज के लिए कोई रास्ता बचा नहीं था। तो जनता ने ठोस लड़ाई लड़ने का आवाज दी और गांधी जी ने इनको ऊपर के लिंक्स दे दिए। जब गांधी जी पहली बार राजेंद्र प्रसाद के यहां गए तो नौकरों ने देखा, उन्होंने कहा ये पता नहीं कौन आ गया है, उनको बाथरूम तक यूज नहीं करने दिया। गांधी ने अपने उसमें लिखा भी है। तो आप ये समझ लीजिए कि ये जो दो चीजें थी, ये दो चीजों ने गांधी जी को समझा दिया कि इस देश में आपको व्यापक एकता बना के आगे बढ़ना होगा, नहीं तो आप किसी का मुकाबला नहीं कर सकते। हरकेश जी, दो तीन एक सवाल था, हम 100 साल में उसको कैसे देखते हैं, 100 साल के बाद उस सत्याग्रह को, जिस सत्याग्रह ने न सिर्फ भारत की जो आजादी की लड़ाई थी वहां से एक नए तरह के बदलाव को हमने देखा, जो मास मूवमेंट जिसे कहते हैं, जन आंदोलन की शुरुआत भी वहां से होती है, गांधी के एरा जिसको हम गांधियन एरा कहते हैं, भारत की आजादी के दौर को, उसकी भी शुरुआत एक तरह से वहां से होती है औपचारिक रूप से, क्योंकि वो मास मूवमेंट था। और जो उन्होंने गोखले साहब ने उनको कहा था कि आप साल भर सिर्फ हिंदुस्तान घूम के जरा नजदीक से देखो, आंख कान बंद करके आंख खोल के देखो, और वो कान बंद करके आंख खोलते हुए जब चंपारण पहुंचे तो वहां से एक नई शुरुआत होती है आजादी के आंदोलन की, बिल्कुल एक नई शुरुआत होती है। और 100 साल के बाद आज जब हम उसे याद करते हैं, सत्याग्रह को याद करते हैं, तो कौन सी वो चीजें आपको लगती है जो हमें निश्चित रूप से उसमें ढूंढना चाहिए? देखिए, ये ठीक आपने सवाल उठाया। अभी अवधेश जी ने कही कि गांधी जी का यह शुरुआत तो हो गया था साउथ अफ्रीका से, इससे उनको कुछ आत्मविश्वास वहां ऑलरेडी डेवलप हो चुका था, एक आत्मविश्वास उनमें पैदा हो चुका था। जब भारत में वो आए और जैसा आपने कहा कि गोखले साहब से मिले, उन्होंने कहा तुम भारत को घूम करके देखो, गोखले को एक तो उन्होंने चुना, तो क्यों चुना, हर व्यक्ति अपने स्वभाव के अनुसार ही व्यक्ति को चुनता है, गोखले जी भी कुछ इस तरह के ही व्यक्ति थे और गांधी जी ने उन्हें ही अपना एक तरह का राजनीतिक गुरु माना। ये सलाह उन्होंने दी कि मुंह बंद करके आंख खोल के ये देखो, ये इसलिए दिया कि भारत को की असलियत को पहले समझो, तुम बैरिस्टर हो, तुम पढ़े हो, वो अंग्रेजों के बीच में रहे हो, सारी चीजें तुम्हारा दिल दिमाग अभी दूसरा है, भारत कितनी दुर्दशा से होकर गुजर रहा है इसको जब तुम ठीक से अपनी आंख से देख करके समझोगे तब तुम्हें भारत की असली हालात का पता चलेगा, उसके बाद तुम्हें अपनी दिशा तय करने में आसानी होगी और तुम्हें रास्ता मिलेगा। गांधी जी ने लगभग वह उनका पहला ही सत्याग्रह और आंदोलन था चंपारण का, पहली पाठशाला कह सकते हैं, जहां से उन्होंने शुरू किया और उसमें जो कुछ भी उन्होंने कार्यक्रम अपने किए उसका तत्काल जो नतीजा निकला कि अंग्रेजों को अपने दमनात्मक कार्यवाही को से अपना पैर पीछे हटाना पड़ा, उससे उनका कॉन्फिडेंस भी बढ़ा, उनका कॉन्फिडेंस बढ़ा। और गांधी जी ने कुछ मूल चीजें अपने जीवन में उस समय तक इंट्रोड्यूस कर लिया था, वो था बेसिकली गांधी जी ये समझते थे कि हमको जब सार्वजनिक जीवन में हम काम कर रहे हैं तो लोगों को लगना चाहिए कि हम एक त्यागी व्यक्ति हैं, हम एक संघर्ष लोगों के लिए जो कर रहे हैं वो हमारी एक तपस्या है जो समाज के हित के लिए हो रही है, और अपने चरित्र को अपने जीवन को एक पवित्र बनाने का जो उनका शुरू से ही उनका एक दृष्टिकोण रहा होगा, जिसमें कि कई बार उन्होंने खुद आत्मकथा में लिखा है कि कई फिसलन भी आई है, लेकिन जब सार्वजनिक जीवन में वो आए हैं तो उन्होंने इस बात को पूरी तरह से एक मूल मंत्र के रूप में स्वीकार किया कि हमारे जीवन में एक पवित्रता होनी चाहिए, और वो पवित्रता भारत की संस्कृति जो थी, भारत की सारी जो पुरानी सारी कल्पनाएं थी, व्यवस्था थी, उसके अनुरूप हमारा आचरण होना चाहिए, ये उनके मन में पूरी तरह से बैठ चुका था। और भारत में आने के बाद गोखले जी से मिलने के बाद उन्होंने पहले अपने जीवन को जिस सात्विकता और पवित्रता की दिशा में मोड़ा उस चीज को वो आगे बढ़ाते रहे और वो उनके उनके लिए एक शक्ति का मूल स्रोत बन गया और धीरे धीरे उनकी ताकत इसी तरह से बढ़ती गई। और बाद में उन्होंने महात्मा बुद्ध के सिद्धांतों को एक तरह से पहले की पालन किया, जैसे महात्मा बुद्ध ने सत्य का, अहिंसा का, अपरिग्रह का, अस्तेय का, ये सब जो उन्होंने एक मूल मंत्र दिया था। गांधी को आज बुद्ध के मानने वाले बहुत से लोग
उनका विरोध करते हैं, लेकिन हम कहते हैं कि विरोध किस बात का करते हो, गांधी जी ने तो लगभग उसी काम को किया जो महात्मा बुद्ध कहते थे, एक तरह से बुद्धिस्ट भी थे अगर आप उनके जीवन को ठीक से देखें। तो वो जो सत्याग्रह उन्होंने चंपारण, क्योंकि बात अब दूसरी दिशा में चली जा रही, इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि जो चंपारण में करने के बाद उन्होंने सफलता हासिल की, उससे जो उनका उनको शक्ति मिली, उनको ऊर्जा मिली और उससे जो उनका कॉन्फिडेंस बढ़ा, उसी को लेकर के उन्होंने अपने जीवन की पवित्रता के साथ एक व्यापक स्तर पर कार्यक्रम आगे भारत को आजाद करने का चलाया, और उसके पीछे उनके जीवन के उनके कार्यशैली को देखकर, उनके जीवन को देख समझ करके बहुत से बुद्धिजीवी उस जमाने के बहुत बड़े बड़े लोग उनके अनुयायी बन गए, और उन्होंने समझा कि ये सही नेतृत्व देश को अगर आज कोई दे सकता है तो यही दे सकते हैं। धीरे धीरे जैसे कहते हैं कि वो उनका कारवां बढ़ता गया और उनका काफिला आगे चला और बाद में जिस स्थिति तक पहुंचा आपको सबको मालूम जी। पुष्पेंद्र, एक आम आदमी के लिए, एक आम हिंदुस्तानी के लिए आज अगर हम 100 साल की इस यात्रा को देखते हैं, सत्याग्रह को देखते हैं, चंपारण को देखते हैं, एक बार सोचते हैं, बहुत लोगों को जो इतिहास को नहीं जानते हैं, नहीं पढ़े होंगे, उनको शायद नहीं भी पता हो, तो कुल मिलाकर के जो 100 साल इस चंपारण सत्याग्रह का हम मना रहे हैं, सेलिब्रेट भी कर रहे हैं, हिंदुस्तान उसको सेलिब्रेट कर रहा है, एक बड़े पैमाने पर कार्यक्रम रखे जा रहे हैं, किए गए हैं, तो ऐसे में एक आम हिंदुस्तानी के मन में सत्याग्रह को लेकर आज क्या धारणा है, कैसे देख रहे हैं सत्याग्रह को वो, और आप उससे क्या ड्रॉ करेंगे, क्या हिंदुस्तान आज सत्याग्रह को कैसे समझ रहा है? दिलीप, देखिए, आपके तीनों गेस्टों ने जो चंपारण के सत्याग्रह की महत्वता थी, उस वक्त के जो पूरा प्रदेश था उसको बताया, लेकिन मुझे लगता है कि आज जो समाज है, आज जो सोसाइटी है भारत में, और 100 साल में इतना लंबा सफ़र तय हुआ है, और हम सब जानते हैं कि गांधी जी जो एक नाम था वो आंदोलन का नाम था, वो एक चरित्र का नाम था, पवित्रता का नाम था, विश्वनेता का नाम था, पारदर्शिता का नाम था, इन तमाम सारी चीज़ों को मिला के एक गांधी बनता नज़र आता था, और वो गांधी जिसके पास ना कॉरपोरेट का कोई सपोर्ट था, ना जिसके पास कोई बंदूक थी, ना जिसके पास कुछ था, उनकी अपनी शख्सियत इतनी मजबूत थी कि लोगों ने ये नहीं पूछा कि इनके पास हमें देने के लिए क्या है, नहीं है, ये जो कह रहा है और जो कर रहा है वो सही कर रहा है, ये लेवल ऑफ क्रेडिबिलिटी था उनका। और इसीलिए जितने भी मूवमेंट उन्होंने किए, आप देखें, वो आंदोलन सफल होने की वजह ये थी, किसी ने नहीं पूछा कैसे, जैसे आज हम बहुत से आंदोलन देखते हैं तो लोग पूछते हैं, आज पार्टी कार्यकर्ता ये पूछता है कि मैं ये क्यों करूं, मैं वहां क्यों जाऊं, तो उस गांधी को हम 47 के बाद से जब देखते हैं, जब उनकी हत्या हो जाती है, एक हथियार के माध्यम से हत्या हो जाती है उनकी, और हथियार के बाद के गांधी को जो लोग लेके चले, मैं समझता हूं इस पूरे हमने करीब 47 से लेकर के और आज तक जोड़ें कोई 60-65 साल है, तो हमने बड़े ऑर्गेनाइज तरीके से, बड़े सोचे समझे तरीके से गांधी को, जो एक चलता प्रथा गांधी था, जो एक विचार था, उसे हमने अपने अपने पार्टी ऑफिस की दीवार पर लटका दिया है, और इस देश की हर संवैधानिक बिल्डिंग में वो सिर्फ एक पोस्टर बन के लटके हुए हैं। हमने ये भी देखा कि जजों के पीछे लटके हुए हैं गांधी, और जो न्याय की बात करते हैं वो जज भी आज रिटायर होने के बाद गांधी के बारे में अशब्द कहते हैं। इस देश में गांधी जो है वैचारिक तौर पे, आप कहें कि उनकी हत्या हुई है, उनकी सोच की हत्या हुई है, उनके पूरे चाल चरित्र की हत्या हो गई है, क्योंकि गांधी सिर्फ अब लोगों के लिए एक पार्टी में अपनी पहचान बनाने भर तक हैं, इससे आगे गांधी हमें कहीं नजर नहीं आते हैं। यह बात अलग है कि आज भी समाज में गांधी जिंदा है, आज भी गांधी समाज में जिंदा है, उसकी जिंदा मिसाल यह है कि एक वर्तमान सरकार की, एक दो लाइन बस कहना चाहता हूं, यह वर्तमान सरकार गांधी के विचारों से नहीं आई थी, यह वर्तमान सरकार किसी और के विचारों से आई थी, लेकिन मैं 2.5 साल में यह देख रहा हूं कि हर छोटी छोटी बात जो है, जो उसके लिए गांधी जी जाने जाते थे, गांधी जी अपने टॉयलेट की खुद सफाई करते थे, गांधी जी ने सफाई के लिए बहुत आंदोलन चलाया, गांधी जी ने हरिजन अखबार निकाला, हरिजनों के साथ रहे, तो आज हम देख रहे हैं, चाहे थोड़ी देर के लिए मान लें कि शायद आज अंकगणित और रेखा गणित का जो पूरा गुणा भाग है सत्ता का, उसमें लोकतंत्र में वोट इंपॉर्टेंट है, लेकिन फिर भी गांधी को लेकर के जिस ईमानदारी के साथ कई काम हो रहे हैं, आज समझ में आ रहा है कि हम जो स्वच्छता अभियान है, ये कोई नरेंद्र मोदी का या प्रधानमंत्री का कोई सोच नहीं है, ये पहले से थी लेकिन वो किताबों में पढ़ी थी, लोगों ने उसको रखा के अब इसकी जरूरत नहीं है।
तो आज जो कॉर्पोरेटेशन हुआ है पूरी की पूरी राजनीति का, उस कॉर्पोरेट जगत के बावजूद भी गांधी की रिलेवेंस है और समाज मानता है, लेकिन हम पूरी तरीके से एक ऐसी तरफ चले गए हैं जहां गांधी का ना स्वदेशी हमें नजर आता है, न गांधी का चरित्र नजर आता है, न गांधी की राजनीति नजर आती है, न गांधी के विचार नजर आते हैं। तो इन विचारों का हम 2 अक्टूबर और 30 जनवरी को याद करते हैं और वहां फूल्यम करने के बाद हम आ जाते हैं। तो मैं बात ये मानता हूं कि जो लोग गांधी के बल पे सत्ता में रहे 60 साल तक, उन्होंने गांधी की हत्या असली हत्यारे हैं वो, और जो वर्तमान सरकारें हैं दूसरे लोग हैं वो फिर भी गांधी को एक बड़ा गांधी मानते हैं। और उनके बाद का जो बड़ा दूसरा मूवमेंट अगर आप भारत में देखें तो जेपी मूवमेंट भी गांधी से बड़ा मूवमेंट नहीं था, जिन्होंने पूरी की पूरी राजनीति बदली देश की। आप कह रहे हैं कि गांधी एक तस्वीर की तरह पीछे, अवधेश जी पीछे तस्वीर की तरह दीवार पर लटके हुए हैं, उनके विचारों से हमारी सियासत नहीं चलती है, उनके विचारों से हमारे कंडक्ट, हम उस कंडक्ट को नहीं अपने राजनीतिक जीवन में, सामाजिक जीवन में उसको हम आत्मसात नहीं करते, उन विचारों का हम 100 साल हम भले ही मना रहे हों लेकिन उन विचारों को हमने साइड में कहीं लटका दिया है। देखिए गांधी संपूर्णता में अपनाने की चीज थी, गांधी का आंदोलन जो था वो केवल आंदोलन नहीं था, वो एक संपूर्ण व्यवस्था को बदलना, आगे की व्यवस्था स्थापित करना उसकी दृष्टि से किया गया। क्योंकि आपका जो आज का कार्यक्रम है इसके 2 पहलू है, एक तो चंपारण सत्याग्रह की उस समय के अनुसार महत्व, उसकी सफलता, उसका भारतीय आंदोलन में योगदान, और आज के समय में उसकी महत्ता और प्रासंगिकता क्या है, उस पे बाद में आएंगे। ये दो महत्व नहीं, आपने जो प्रश्न पूछा हुआ दूसरा प्रश्न पूछ दिया आज के समय में जी। मेरा जैसे गांधी जी के का जो वहां का आंदोलन था उसको ठीक से आप अगर ध्यान से देखेंगे तो वो जैसे इन्होंने कहा कि अंग्रेजों के दमन और उत्पीड़न से मुक्ति के आंदोलन में उन्होंने पहली बार बुद्धिजीवियों को भी जोड़ा, जो कि प्रायः मानते थे कि अंग्रेज इतने लिबरल हैं कि अपने आप बहुत कुछ बदलेंगे या हमको दे देंगे। लेकिन दूसरा उन्होंने जो है किया कि आंदोलन के साथ रचनात्मक कार्यों को जोड़ा, उन्होंने देखा कि यहां के लोगों की कमियां क्या है, साफ सफाई से रहो, खाना कैसे बनाओ, कैसे खाना खाओ, इनके लिए शिक्षा की व्यवस्था नहीं है। तो आपको जानना होगा दिलीप जी कि करीब करीब महात्मा गांधी ने उसी समय वहां जो है और बुनियादी विद्यालयों की स्थापना की, और 39 तो उसी समय स्थापित किए वो मोतिहारी में, और पूरे बिहार में बाद में 429 विद्यालय स्थापित किए। और वो बुनियादी विद्यालय क्या थे, वो ये थे कि मोटा मोटी पढ़ाई लिखाई के साथ कैसे लोग अपना जीवन निभा सकते हैं उसके लिए उनको स्वावलंबी बनाना, भविष्य में सत्याग्रही बनाना, और आजादी मिल जाए तो उस व्यवस्था को कैसे चलाया जाए इसके लिए लोगों को तैयार करना। तो आंदोलन का एक भाग था कि पूरे लोग ऐसे वो तैयार कर रहे थे। आज वो सारे 429 विद्यालय जो बिहार में थे, देश में सबसे ज्यादा विद्यालय जिनमें लोगों ने 100-100 एकड़ तक जमीन दान दी, वो सरकारी विद्यालय में बदल गए। अब कार्यकर्ता वहां तैयार नहीं हो रहे हैं, सत्याग्रही तैयार नहीं हो रहे हैं, राजनीति करने वाले तैयार नहीं हो रहे हैं। तो गांधी का जो वो आंदोलन था उसको व्यापक परिप्रेक्ष्य में देखने की जरूरत है। गांधी के आंदोलन मैं पूरा करूंगा, आपने पहले भी असहमति में सिर हिला दिया तो मैं आधा बोल के ही चुप हो गया था पहले। चलिए पूरा बोल, आप चलिए कंप्लीट करें आप। मैं गांधी ने उसको, गांधी के काम करने का तरीका क्या था पहले, कि पहले किसी चीज को स्वयं देखो, गहराई से उसको समझो, समस्याओं की जड़ में जाओ, फिर उसके बाद लोगों को तैयार करके संघर्ष करो, देखो कि लोग तैयार है। अगर संघर्ष करने में आपके विचार के विरुद्ध कोई बड़ी घटना होती है तभी रुको, नहीं तो परिणाम तक ले जाओ। जब गांधी जी वहां पहुंचे, आप सोचिए कि उस समय कोई कंप्यूटर नहीं था, आप उन 13,000 किसानों की आप बीती उन्होंने लिखवाई, जैसे कचहरी में बयान दर्ज होता है 2900 गांवों के 13,000 किसानों को राजेंद्र बाबू से लेकर सब लोग लाइन में बैठे रहते थे, क्योंकि वो अगर लड़ाई लड़नी है तो एक एक चीज को जानो कि किसके साथ क्या गुजर रहा है। इसलिए राजकुमार शुक्ला जब 1916 में लखनऊ में उनसे मिले थे या कोलकाता में मिले, उन्होंने कहा कि मैं स्वयं जाके देखूंगा तब जाकर के मैं ये काम करूंगा। और वो जब बाद में अंग्रेजों ने एग्रेरियन कमेटी बनाई, जब वहां के डिप्टी गवर्नर है, तो ये सारे बयान उन्होंने सामने रखे, उस कमेटी में वो थे, एक एक फैक्ट रखे कि क्या क्या हो रहा है। आपको मालूम है कर क्या लिया जाता था, किसी का बाप मर गया और उसका श्राद्ध हो गया तो आप जब कर देंगे वहां तब जाकर के आपको उसका उत्तराधिकार मिलेगा। अगर अंग्रेज बीमार पड़ गए, उनका घाव का इलाज करना है तो कर दीजिए, उनको घोड़ा खरीदना है तो घोड़ावन कर्ज दीजिए, खेलावन कर्ज दीजिए, उठौनी कर्ज दीजिए, ऐसे 46 प्रकार के कर थे। तो वो सब उन्होंने स्टडी किया, एक तो ये था। दूसरा जो है
जो उनका तरीका था कि हर आंदोलन को रचनात्मक कार्यों से जोड़ो, आप संघर्ष लंबे समय तक नहीं कर, संघर्ष की एक सीमा होती है, लेकिन उस समस्या को दूर करना है तो आपको कंस्ट्रक्टिव वर्क करके समस्याओं से जूझिए और दूर करिए। इसलिए उन्होंने उस क्षेत्र में खेती कैसे बेहतर हो सकती है, क्या क्या खेती होगी, कैसे पशुपालन की व्यवस्था हो, ये सब उन्होंने काम शुरू कराया था लोगों के लिए। और तीसरा जो उन्होंने किया था, जो आज के समय में प्रासंगिक है, कि उन्होंने समझा था कि अंग्रेजों के साथ साथ यहां के किसानों की भी पैसे की लालच है, इसीलिए वो नकदी व्यवस्था की ओर सोचते हैं कि नील हम ज्यादा बो देंगे तो थोड़ा पैसा मिल जाएगा, और इस कारण उनको शोषण हो रहा है। तो उस समय ही उन्होंने एग्रीकल्चर के कमर्शियलाइजेशन के विरुद्ध, माने कृषि के वाणिज्यीकरण के विरुद्ध और कृषि का जो जो नकदीकरण है उसके विरुद्ध जो है उन्होंने शिक्षण और आवाज उठानी शुरू की, लेकिन वो चीजें मर गई। आज भी कृषि के नकदीकरण की ओर हम जा रहे हैं। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि गांधी को आप संपूर्णता में ले सकते हैं, उन्होंने एक व्यवस्था दिया ग्राम स्वराज का और उनकी लड़ाई उसका पार्ट थी। आज जब आप देखेंगे जो आप कह रहे थे टांग दिया, इसलिए कि अब जैसे यूनाइटेड नेशन गांधी के अहिंसा का दिवस तो मना लेता है लेकिन गांधी के सत्य का दिवस नहीं मनाता है वो, मतलब अपरिग्रह का दिवस नहीं मनाता है वो, क्योंकि अहिंसा बोलना बड़ा आसान है, उसका पालन करने में कुछ दुनिया तो बाद में मनाएगी। पहले तो हिंदुस्तान की बात करते हैं, और हिंदुस्तान में हम जब उनके विचारों की बात करते हैं, जो कह रहे थे पुष्पेंद्र कि हमने उनको पीछे कहीं दीवार पे टांग दिया है, तो उनके जो विचार थे सुनील चोपड़ा जी, जो किसान के लिए पहली बार चंपारण एग्रीरियन कमेटी बनाई गई थी और उसी कमेटी के सिफारिश पे तिनकठिया जो व्यवस्था थी उसको समाप्त की जाती है, उसी के बाद जो है जो कर में कमी आती है, क्षतिपूर्ति जो है वो भी उसका मिलता है। तो एक आंदोलन की शुरुआत होती है वो भी उस समय के एक ऐसे शासक के खिलाफ जिसके बारे में माना जाता है कि शोषण उनका एकमात्र उद्देश्य था और कोई उद्देश्य नहीं था ब्रिटिश साम्राज्य के बारे में अगर हम बात करें। और उस साम्राज्य में हमने उस समय तक जो आज़ादी के आंदोलन चले थे उसको भी हमने देखा था कि वो आंदोलन किस तरह से था। आंदोलन लगातार चल रहे थे, वो 1857 से लेके आंदोलन कभी रुकता नहीं है, लगातार किसी न किसी रूप में, किसी न किसी स्वरूप में, लेकिन गांधी ने उस पूरे आंदोलन को एक नया आयाम दिया, नई विचार दिए, नए रास्ते दिए, नई राह पे लोगों को रखा। तो उस रास्ते को चलते हुए 100 साल हिंदुस्तान में 47 तक आज़ादी के लिए चले, लेकिन उसके बाद उसमें बहुत सारी चीज़ें जो अवधेश जी बताते हैं कि उन्होंने आगे का भी रूपरेखा दिया था उसी सत्याग्रह में, उसी आंदोलन में, उसी गांधी के विचारों में था, जिसको हम कहीं पीछे छोड़ते हुए नजर आते हैं। हम क्यों पीछे छोड़ रहे हैं, इम्पोर्टेंट चीज तो वो है। अब जिस तरह कल अम्बेडकर की बात हुई तो हमने क्या देखा, हमारे देश के प्रधानमंत्री अम्बेडकर को कैशलेस इकोनॉमी से जोड़ रहे हैं, जो बिल्कुल वाणिज्यकरण का क्रूर हिस्सा है। उसी तरह से हम देखते हैं कि आज कॉर्पोरेट फार्मिंग की बात हो रही है, तो जब आप कदम उठाएंगे जो गांधी के विपरीत हैं, तो ज्यादा से ज्यादा आप एक ही चीज कर सकते हैं कि गांधी के कुछ अवशेष लेके आप उनको मुखौटे की तरह पहन के आगे बढ़ रहे हैं एक उस रास्ते पे जो गांधी के बिल्कुल विरुद्ध था। गांधी की जो सबसे बड़ी मेरे लिए तो जो मैंने स्टडी किया सबसे बड़ी चीज ये थी कि उन्होंने प्लेटो पढ़ के, उन्होंने टोल्स्टॉय पढ़ के, उन्होंने रस्किन पढ़ के, सब कुछ पढ़ के उन्होंने एक चीज निकाली इसमें से, थोड़ो पढ़ा और उन्होंने कहा कि ये सब नहीं चलेगा। अंत में वो जैन मुनियों वाली बातें उठा के, किसानों की समस्याएं उठा के उन्होंने साफ कह दिया कि दिस इज नॉट पैसिव रेजिस्टेंस, जो हमारा सत्याग्रह है वो एक संघर्ष है जी, वो पैसिव रेजिस्टेंस नहीं है। और वो आप समझो थोरो से बिल्कुल उल्टा था। तो गांधी ने हर एक की चीजें ली और उन्होंने क्या नोट किया, ये जो आपका चंपारण सत्याग्रह था उसको फाइनेंस किसने किया था, ये हाजी दीन मोहम्मद अंसारी ने किया था। गांधी ने इसमें हिंदू मुसलमान जात पात कुछ नहीं रखा, ये तो स्पॉन्टेनियस वहां पे जब किसान स्पॉन्टेनियस नहीं, गांधी वॉज वेरी कॉन्शियस कि एक धर्म के लोग नहीं होंगे, एक धर्म का रास्ता नहीं होगा, हमारा एक एक्चुअली इक्लेक्टिक व्यू पॉइंट होगा जिसमें टॉलस्टॉय से लेके कुरान तक सब चलेगा। चल आप वो बहुत बड़ी
चीज है उस एक, एक, बिल्कुल आपके पास लेकिन दिलीप जी 1917 में ही दुनिया में एक दूसरी क्रांति भी हुई थी नवंबर में बिल्कुल और 1917 में ही चंपारण की क्रांति भी हुई थी दोनों में एक व्यापक अंतर था तो वही जो वैचारिक मतभेद है अब चूंकि चोपड़ा जी गांधी जी की सीधी आलोचना नहीं कर सकते हैं तो ये कुछ बातें मार्क्सवादी दृष्टिकोण से गांधी जी को देखने की कोशिश कर लो आप अपनी बात ना मैं जो कह रहा हूँ आपकी आलोचना नहीं कर रहा हूँ भाई कीजिए मार्क्स भी एक महान कैसे जानते हैं कि मैं सीधी बात ये कह नहीं आप सीधी बात नहीं कर रहे हैं ना क्योंकि आप संघर्ष किया हुआ है कि मेरी सीधी बात क्या है नहीं नहीं ये गलत है संघर्ष जो है संघर्ष गलत है 1917 में ही एक क्रांति होती है 1917 में दो क्रांतियां हुई हैं एक चंपारण की क्रांतियां एक रूस की क्रांति हुई है एक में इतने खून बहे इतने हुए पूरी सत्ता बदली एक में बिना खून के गांधी जो है वो केवल गांधी जैसे पुष्पेंद्र जी कह रहे थे गांधी को केवल सत्ताधारी लोगों ने नहीं टांगा है गैर सत्ताधारी उनके नाम पर आंदोलन करने वाले उनके नाम पर विचारधारा चलाने वाले लोगों ने भी उनको पीछे टांगा हुआ है दिलीप जी सत्याग्रह में अनशन सबसे अंतिम अस्त्र है आप उसको कहा गया कि जैसे न्यूक्लियर वीपन आपका लास्ट है वैसे ही अनशन जो है अंतिम है और अनशन किसी को दबाव में लाने के लिए नहीं किया जाता है अनशन से आप उसका हृदय परिवर्तन करते हैं उसके अंदर प्रेम जगाते हैं करुणा जगाते हैं इसलिए आप अनशन करते हैं आज के गांधीवादी जो कि मूलतः वामपंथी हैं जो कि ज्यादा से ज्यादा मार्क्सिस्ट हैं उन्होंने अनशन को पहला कर दिया है धरना प्रदर्शन को पहला कर दिया है लड़ाई में जहां देखिए धरना प्रदर्शन तो गांधी को केवल सत्ता वाले लोग ही नहीं गैर सत्ता संघर्ष के लोगों ने भी गांधी को अलविदा कह के और गांधी के नाम पर बिल्कुल पाखंड करते हैं बिल्कुल नहीं चलिए चलिए मैं जो हरिकेश हरिकेश जी के पास गांधी ने कहा अनशन किया नोआखाली पे फिर चर्चा कर लेंगे आज हम जो चर्चा है हमारी वो है 100 साल सत्याग्रह के सुनील चोपड़ा जी अवधेश जी 100 साल सत्याग्रह के और भारत के लिए उस सत्याग्रह में काफी कुछ एक नई राह वहां से शुरुआत होती है नए रास्ते की शुरुआत होती है भारत को एक नई दिशा मिलता है आजादी के लिए एक नई शुरुआत होती है वो शुरुआत होती है जिसमें जनमानस को जोड़ा जाता है जनमानस बड़े पैमाने पे पहली बार गांधी के लिए भी एक नया तरह का टेस्ट था बापू का नाम भी उनको वहीं से मिला तमाम तरह की चीजें हम इतिहास में अगर पन्नों में देखेंगे तो बहुत सारी ऐसी बातें हैं लेकिन जो मूल बात है जिसको आज समझने की शायद आवश्यकता है कि जो बात अवधेश जी कह रहे हैं कि जिसपे सुनील चोपड़ा जी कह रहे हैं कि सिर्फ सरकार नहीं सत्ताधारी पार्टी नहीं बल्कि तमाम ऐसे संगठन भी कहीं ना कहीं वो कह रहे हैं जिन्होंने पूरे चीज़ों को गलत तरीके से समझ के उसको पीछे छोड़ने के लिए आज अगर वो पीछे चीज़ें छूट रही है तो उसके कारण उसका तरीका जो उसका जो इस्तेमाल हुआ वो गलत इस्तेमाल हुआ जो अवधेश जी कह रहे हैं मेरा सवाल यह है कि क्या सियासी दल सरकार सामाजिक क्योंकि गांधी का जो मूवमेंट था वो सियासी दल तक सीमित नहीं था वो कांग्रेस तक सीमित नहीं था वो जन आंदोलन को उनको बनाते थे अवधेश जी ने कहा कि कैसे क्यों जन आंदोलन बनाते थे वो उन्होंने बता रहे थे तो जन आंदोलन की जो का जो कॉन्सेप्ट था लोगों को जोड़ने का जो कॉन्सेप्ट था वो विचारों से था विचार क्या था जो आपको भयमुक्त करता था और जो ऐसी सत्ता ऐसी व्यवस्था उस व्यवस्था के खिलाफ आपको खड़ा करता था आज क्या जो सामाजिक संगठन हैं देश में या रहे हैं आजादी के बाद से लेके उसको हम गांधी 48 के बाद हम देखें तो क्यों उसको हमने धीरे धीरे कौन से कारण ऐसे हैं जिसके कारण सत्याग्रह की पूर्ण जो संपूर्ण जो विचार था उसको हम छोड़ते हुए नजर आए देखिए एक तो ये बहुत थोड़ा सा व्यापक लाइन पकड़ ली है कई शाखाएं इसमें से निकल गई हैं और आपका सवाल बहुत रेलिवेंट है लेकिन मूल रूप से जो आप सवाल उठा रहे हैं ना पहले गांधी को ये समझना पड़ेगा गांधी मूलतः भारतीय संस्कारों में पले बढ़े हुए व्यक्ति थे और वो भारतीयता को स्वीकार उसके
मूल रूप में उसको स्वीकार किया था और उसी से उन्होंने प्रेरणा मिलती थी, अपने जीवन में उन्होंने चरितार्थ भी किया था, क्योंकि जो भारत के जो मूल सिद्धांत हैं, जो भारतीय संस्कृति की जो आत्मा है वो इसी सत्य अहिंसा करुणा दया क्षमा इसी सब में वो प्रविष्ट है, पूरे भारतीय संस्कार ही यही है और ये इसी से उनके व्यक्तित्व का निर्माण हुआ था, मूल रूप से यही उनके व्यक्तित्व में था भी। इसलिए गांधी ने जो भी सिद्धांत लेकर के काम किया उसमें ये सारी चीजें उनके व्यक्तित्व में समाहित थी और इसीलिए जो गांधी का सिद्धांत था वो एक तो भारतीय संस्कृति और भारतीय संस्कारों से ओतप्रोत था, दूसरा उन्होंने जो देश को दिशा देने का काम किया, देश में आंदोलनों का नेतृत्व करने का काम किया, देश की समस्याओं का समाधान करने की दिशा में जो उन्होंने कार्यक्रम अपने किए वो कार्यक्रम उन सिद्धांतों से प्रभावित थे, इसलिए उसको उन्होंने रणनीति के रूप में भी स्वीकार किया। जैसे कि उन्होंने अगर अहिंसा को रणनीति बनाई कि हमें अहिंसा नहीं करनी है, तो ये जानते थे कि अहिंसा एक तरह से हमारा सिद्धांत है, हमारे देश की आत्मा में बसा हुआ सिद्धांत है, लेकिन इसको अगर हमें कार्यान्वित भी करना है तो आज वो उसको कार्यान्वित करना हमारी आवश्यकता है और मजबूरी भी है। क्यों? क्योंकि एक ऐसे एम्पायर के खिलाफ हम खड़े हैं कि अगर हमने हिंसा का सहारा लिया तो हमारे आंदोलन को कुचलने में टाइम ही नहीं लगेगा। बिल्कुल। और अगर वो आंदोलन देर तक नहीं चलेगा तो इतने बड़े देश में, इतने बड़े देश के लोगों का मानस तैयार करने में जो हम करना चाहते हैं, देश को आजाद कराना चाहते हैं, देश को गुलामी से मुक्त करना चाहते हैं, शोषण से मुक्त करना चाहते हैं, ये हमारा कार्यक्रम जहां का तहां धरा रह जाएगा, क्योंकि वो तो कुचल दिया जाएगा आंदोलन अगर हिंसात्मक रूप धारण करेगा। इसलिए गांधी ने अपने सिद्धांतों के अनुसार उन्हीं सिद्धांतों को अपने रणनीति का भी हिस्सा बनाया। हमने एक मॉरल उसमें एक, हाँ, एक जो मॉरल सैंक्टिटी आई। देखिए अब उसमें क्या है कि जैसे अभी पुष्पेंद्र जी मॉरल स्ट्रगल होता है, एक नैतिक संघर्ष होता है जिसमें आप कि गांधी ने जहां अहिंसा को अपना हथियार बनाया वो उस समय की जरूरत भी थी जो आप कह रहे हैं और भारत की आत्मा का भी हिस्सा था, लेकिन गांधी ने आगे आते आते उस बदलाव को भी देखा और फिर करो या मरो गांधी जी ने कई ऐसी बातें कही, यहाँ तक कि महात्मा बुद्ध को कहना पड़ा था ये बात जो अभी आपने कहा। एक सांप था रास्ते में, वो लोग जाते थे तो उसको दौड़ा के काट भी लेता था, तो कुछ लोगों ने कहा कि आप कहते हैं कि मारना नहीं चाहिए और अगर हम ना मारें तो सबको काट रहा है, तो उन्होंने कहा कि मैंने ये नहीं कहा था कि उसको अगर मारो नहीं तो उसको डराओ भी नहीं, यानी डराने का काम तो कर ही सकते हो। तो गांधी जी ने भी माने हिंसा को अगर आप बहुत व्यापक दृष्टि से देखें तो किसी को थोड़ा सा डराने का भी काम करें, किसी के बारे में कुछ बुरा सोचें, सब हिंसा का हिस्सा है। लेकिन हमारे वहां यह भी फिलॉसफी है, अब उसमें व्यापक उसमें नहीं जाऊंगा, यह भी फिलॉसफी है कि आज के युग में अगर आप कार्यान्वित जब तक नहीं करते हैं तब तक आप उसके दोषी नहीं माने जाएंगे, और हमारे संविधान के हिसाब से नहीं, धार्मिक सिद्धांतों के हिसाब से रामायण में इसका वर्णन है जिसको मैं नहीं जाना चाहता। और रामायण से गांधी जी को बहुत प्रेरणा मिलती थी, राम का जीवन उनके लिए था कि ईश्वर अल्लाह तेरे नाम रघुपत राघव राजा राम जो उनका सारा है, तो उसमें अगर आप आइए कर उसमें उधर हम अभी नहीं जाना चाहेंगे। अभी जैसा कि कहा था अभी पुष्पेंद्र जी ने कि सरकार उनके विचारों को लेकर के नहीं आई, क्योंकि वो तो अलग विचारधारा से चल रही जो वर्तमान सरकार काम कर रही है, लेकिन आने के बाद उनके दिए हुए तमाम कार्यक्रमों को कार्यान्वित करने का काम कर रही है। इससे एक बात तो साबित होता है ना कि गांधी जी के सिद्धांत और उनके कार्यक्रम आज भी उतने ही रेलिवेंट है। सवाल वो नहीं है, सवाल उनके कार्यक्रम और सिद्धांत उनका जो मेथड था वो क्या आज रेलेवेंट है, तो नहीं, ये सवाल है कि जो तरीका वो अपनाते थे वो कितना आज महत्वपूर्ण है, उस पर मैं चाहूंगा कि आप बोले। देखिए गांधी जी का जो मेथड था आज भी रेलेवेंट है, लेकिन हम उसको आज तो लोग आग लगाते हैं, मकान तोड़ते हैं, घर जलाते हैं, हिंसा जी उस समय भी तो हुआ, अगर ऐसा ना हुआ होता तो गांधी जी की हत्या ही क्यों हुई होती, इसी देश के ही लोगों ने हत्या किया। अच्छा गांधी जी की हत्या भी और आज उन हत्यारों को महिमामंडित करने वाले लोगों का एक काफी बड़ा समूह है। बिल्कुल, आज वो भी करने वाले लोग हैं, आप ये क्यों नहीं देख रहे? इसका मतलब यह है कि ऐसा नहीं है कि गांधी जी ने जो कहा था उनके विचार शाश्वत नहीं है, रेलिवेंट नहीं है, बल्कि उसको पालन करने में जो कठिनाई है। देखिए जब आपके खिलाफ कोई काम हो और उस काम को आप आराम से बर्दाश्त करके और कोई रास्ता शांति के निकाले तो इसमें आपको बहुत ज्यादा अपने मन पर अपने पूरे सारे इमोशंस को कंट्रोल करना पड़ता है,
उसमें ज्यादा आपके ऊपर दबाव पड़ता है, यह कोई आसान काम नहीं है। बिल्कुल, अगर किसी ने गाली दिया तो आप तुरंत रिएक्ट करके गाली देते। देखिए गांधी जी ने जब कहा कि हाँ मैं जब उन्होंने कहा आर यू गिल्टी, तो उन्होंने कहा मैं गिल्टी हूँ, और उनको गिल्टी प्लीड करने के बावजूद भी ब्रिटिश वहां पे जज ने उसको बोला कि नहीं आप जाइए, छोड़ा। क्योंकि जो वो नैतिक बल होता है किसी आंदोलन का, जो नैतिकता होता है, जो मॉरल गांधी जी की बातों को तो गांधी जी के अनुयायियों ने ही नहीं माना। गांधी जी ने कहा था कि कांग्रेस को खत्म कर देना चाहिए, अब बंद कर देना चाहिए, अब दूसरी पार्टी जिनको राजनीति करनी है दूसरी पार्टी बना लें। इस बात को कांग्रेस के लोगों ने कहा माना, आप बताइए। अच्छा, आज की तारीख में वो चीज कुछ कांग्रेस के लोग कर रहे हैं जो गांधी जी ने कहा था, उसे अब कुछ कांग्रेस के लोग इस काम को कर रहे हैं। और मोदी ने तो नारा दिया कांग्रेस भारत, उसको पूरा करने का काम हमको लग रहा है कि कांग्रेस के लोग करने में जुटे हुए हैं। लेकिन कांग्रेस की बहुत सारी बातें ऐसी हैं गांधी जी की, जिसको कि कांग्रेस के लिए भी लोगों ने नहीं माना। और कारण यह है कि उन्हें लगा कि यह आसान काम नहीं है, क्योंकि किसी चीज को शांति के साथ डील करने में ज्यादा समय लगता है। अब जैसे जहां वायलेंस हो रही है, आज जो तमाम टेररिस्ट एक्टिविटीज हैं, अगर आप वहां पर कोई शांति मिशन लेकर के जाए उन्हें समझाएं तो कितना समय लगेगा और कितनी ताकत लगेगी और क्या क्या आपकी प्रणाली होगी, आपको यही समझने अब निकालने में बहुत समय लग जाए। दो तीन हमारे पास समय बहुत सारे। चोपड़ा साहब, मैं आ रहा हूँ, कई सारे पक्ष है। मैं इसमें एक और बस बात जोड़ना चाहता हूँ, आप सवाल पूछ लीजिएगा। देखिए, जब हम ये कहते हैं कि गांधी जी आज कितने रिलेवेंस हैं, मेथड्स, उनका मेथड तो आप देखिए ना कि मेथड तो आज जो समाज है ना उसके हिसाब से मेथड तय होंगे। आप समझ रहे मेरी बात को? आज मोबाइल है, इंटरनेट है, इंफॉर्मेशन है, लोगों पे समय नहीं है, आज आंदोलन मोबाइल पे चल रहा है, आज आंदोलन मोबाइल के माध्यम से चल, किसी माध्यम से चल रहा है, मीडियम कोई भी हो सकता है, उसमें ताकत, उस आइडिया का, उस वो मॉरल वैल्यू, उसकी ताकत उसमें है कि नहीं। मैं वही बात कहना चाह रहा हूं कि इसी देश में पूर्वोत्तर में एक महिला 15 साल से सत्याग्रह पे बैठी थी, नाक के अंदर नली लगा के खाना नहीं खा रही थी, उसने कोई हिंसा की बात नहीं कही थी, इसी समाज की बात है। और 15 साल तक वो महिला, जो भी उसकी डिमांड थी, क्या थी, मैं उस पर नहीं जाना चाहता, लेकिन 15 साल तक इस देश में तमाम गांधी का नाम सुबह से शाम तक गिनने वाले लोग, किसी ने उस महिला की तरफ ध्यान नहीं दिया। सरकारें आई चली गई, लेफ्ट राइट, यूपीए डीपीए सीपीए सब चली गई, लेकिन क्या वजह थी कि इसी समाज ने जब वो चुनाव वो थक गई, हार गई, और उसको लगा कि गांधी का मेथड आज के दौर में रिलेवेंस नहीं है, तो उसने उसको त्यागा और वो चुनाव में लड़ी, तो चुनाव में उसे 90 वोट मिले, तो ये भी सच्चाई है। लेकिन इसी परिपेक्ष में आप ये देखें, नक्सल माओइस्ट कश्मीर, जहां लोग बंदूक लेके खड़े हुए हैं, सरकारें उनसे बात करती हैं, सरकारें नाक में लगी महिला से बात नहीं करती हैं, उस आंदोलन उसकी ताकत से नहीं डरती हैं, आज बंदूक से डरती हैं। तो यह भी एक अलग बात है, यह भी समाज बदला है, तो हमें बदले परिपेक्ष में सोचना चाहिए। अवधेश जी, दो सवाल है। एक तो पुष्पेंद्र जी जो कह रहे हैं कि आज जो है उस मेथड का उन्होंने एक उदाहरण दिया मणिपुर का, एक तो आप उनसे क्या उसी फ्रेम में उसको देख रहे हैं, क्या वो मेथड आज उतना कारगर नहीं है जो गांधी ने चंपारण से जिसकी शुरुआत की, सत्याग्रह की शुरुआत की, उसमें जो दूसरा पक्ष है, जो दूसरा कि एक लैब के तरह चंपारण था, पहला लेबोरेटरी था जहां कुछ चीजों को गांधी जी ने टेस्ट किया। किसान की समस्या पहली बार नेशनल मेनस्ट्रीम में आता है, राष्ट्रीय आंदोलन का हिस्सा पहली बार बनता है, उससे पहले वो राष्ट्रीय आंदोलन का हिस्सा नहीं था जो किसानों की समस्या है, मांस और भारत में किसानों पर काफी लोग काफी परिवार निर्भर थे। तो दो बात, पहले तो वो कि वो मेथड जो है आज रेलेवेंट है या नहीं है, पहले इस पे आप जवाब दें। देखिए, गांधी का ही एकमात्र मेथड है, मैं मानता हूं कि गांधी का ही एक तरीका है जो सार्वकालिक है और सार्वदेशिक है, उसको गहराई से समझने की। दूसरी बात कि गांधी का ही दर्शन एकमात्र है जिसको अपना करके और जीवन जीना आसान है, क्योंकि गांधी तेते पांव पसारिए तक हमेशा सीमित रहते हैं। लेकिन अब दुर्भाग्य यह है कि हम चूंकि आज की व्यवस्था के संदर्भ में देखने की कोशिश करते हैं तो गांधी को समझना जरा कठिन हो जाता है। गांधी ने जो अहिंसा की बात की, उनको मालूम था कि अहिंसा एकांगी तरीके से समाज को स्वीकार नहीं हो सकता है, कि हमारे सिस्टम में तो पुलिस वाले बूट पहने और बंदूक उठाएं और लोगों को हम कहें कि अहिंसक रहो, हमारे सिस्टम में सरकारी बाबू तो घुसखोरी करे और वो करें और नेता जो है नेतागिरी करें और उनके आगे पीछे ताम झाम रहे और लोगों को हम कहें कि आप सत्यवादी और हिंसक हो,
इसलिए उन्होंने एक पूरी व्यवस्था की कल्पना की थी जिसको हिंद स्वराज में उन्होंने लिखा है, और एक पूरा सिस्टम उन्होंने अहिंसक, पूरी अहिंसक व्यवस्था उसको हम कह सकते हैं, समाज व्यवस्था, अर्थव्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था। जब भारत को आजादी मिली तो गांधी जी ने नेहरू जी को कहा कि नेहरू अब समय आ गया है कि हिंद स्वराज को पर कांग्रेस जो है उसको लागू करने की दिशा में काम करे। तो नेहरू जी ने इसका उत्तर दिया है, देखिए कहां से गांधी को अस्वीकार किया जाता है। नेहरू जी का उत्तर है बजाबता लिखित रूप में कि गांधी जी हम कौन होते हैं हिंद स्वराज को जो है को लागू करने के लिए काम करने वाले, कांग्रेस ने कभी हिंद स्वराज को स्वीकार ही नहीं किया। तो इसलिए आजादी के साथ ही पंडित नेहरू का जो मतभेद था गांधी जी से वैचारिक वो स्पष्ट हो चुका था, इसलिए वो गांधी के उस विचार को कि हम यंत्रों के गुलाम ना बने, नहीं नहीं हम यंत्रों के गुलाम ना बने, हमारा जो सिस्टम हो नीचे से ऊपर जाए ना कि ऊपर से नीचे आए, वो विकेंद्रीकरण की बात नहीं करते थे, वो केंद्रीकरण चाहते ही नहीं थे कि नीचे से ऊपर जाओ। जैसे पानी में हम एक ढेला फेंकते हैं तो कैसे वो बूंद बूंद बनकर दूर तक जाता है, वो उनका सिस्टम था पूरा का पूरा कि नीचे हमारा चुनाव, नीचे गांव के लोग अपने प्रतिनिधि चुन दे, वो मिलके ब्लॉक का प्रतिनिधि चुन दे, वो मिलके जिला का चुन दे और जिला वाले राज्यों का चुन दे और वो ऊपर चुन दे और नीचे से ऊपर तक एक रहे और चुनाव में कोई खर्चा ही नहीं हो। तो ये पूरी व्यवस्था थी, लेकिन उस व्यवस्था को आपने स्वीकार कर दिया और उसकी जगह आज इतनी खर्चीली व्यवस्था आपने अपना दिया है। इस लोकतंत्र को गांधी जी ने जो अवधेश जी जो इस लोकतंत्र को गांधी जी ने कहा कि पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी इज फासिज्म एंड नाजीज्म इन डिस्गाइज फॉर्म। ये डिस्गाइज फॉर्म में फासीवाद और नाजीवाद का रूप है। इसको उन्होंने माना ही नहीं था संसदीय लोकतंत्र को, उन्होंने तो कहा था कि हे भगवान हमारे अंग्रेज चले गए। कई सारे पहलू मैं उसमें अगर क्योंकि उसमें और भी कई पक्ष हैं, मैं सिर्फ प्रासंगिक कितने हैं। तो सवाल ये है कि जिसको गांधी ने कहा कि ये पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी जिसके तहत अंग्रेजों ने दुनिया को गुलाम बनाया, साम्राज्यवाद पैदा हुआ जिससे पूंजीवाद को संरक्षण मिला, अगर उसी पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी को अपनाएंगे तो अहिंसक सामाजिक व्यवस्था नहीं हो सकती है। तो गांधी को प्रासंगिक बनाने का मतलब कि गांधी की व्यवस्था को स्वीकार करने की ओर बढ़ना, जो कि शोषण रहित, जो कि हिंसा रहित, जो कि भय रहित, जो कि दंड रहित व्यवस्था हो सकती है। एक 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 बात गांधी जी ने खुद अपने ऑटोबायोग्राफी में लिखा है कि द चंपारण स्ट्रगल वॉज अ प्रूफ ऑफ द फैक्ट दैट डिसइंटरेस्टेड सर्विस ऑफ द पीपल इन एनी स्फीयर अल्टीमेटली हेल्प्स द कंट्री पॉलिटिकली। ठीक है, तो वो कहते हैं कि आप मैंने अपना जो स्वार्थ एक तरह से जो है उसको अगर आप दरकिनार करके रखें और किसी भी सर्विस को आप पब्लिक को ले जाते हैं तो उसका जो है सियासी तौर से कंट्री को उसको फायदा होता है, वो कंट्री को हेल्प होता है। तो अगर हम जो बात आप कह रहे हैं उसको हम वहाँ पे देखें, और ये आज हमने देखा कि अन्ना जी क्या आंदोलन, आखिरी आंदोलन हमने देखा जो गांधी के विचारों के नाम से बिल्कुल नहीं था, गांधी के विचार के नाम नहीं, ये कह रहे कि प्रोपेगेंडा तो यही था ना, प्रोपेगेंडा था। मैं आप थे नहीं थे, लेकिन अन्ना एक गांधीयन विचार को मानने वाले व्यक्ति माने जाते हैं देश में आज के दिन, माने जाते हैं अन्ना का, ये मेरा मानना नहीं है, लेना देना नहीं है, ये मेरा मानना नहीं है, मैं आपका विचार नहीं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ जो परसेप्शन इस समय जो लोग कहते हैं कि गांधी को समझने वाले अन्ना हजारे को कभी गांधी जन गांधीवादी मान नहीं सकते हैं। आप गांधीवादी किसको मानेंगे वो एक अलग सवाल है। इतनी परसेप्शन है कि गांधी को जिस तरह से इस मूवमेंट के माध्यम से बेच करने की कोशिश की है, ये कोई नहीं कह रहा कि अन्ना उनके फॉलोअर थे, ये नहीं कहा। आज उस मेथड को जो आपने कहा कि लोकतंत्र के लिए या उन्होंने पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी के लिए, मैं सिर्फ उनके जो मूल विचार थे सामाजिक या राजनीतिक परिवर्तन के लिए, सामाजिक और राजनीति को बदलने के लिए, बेहतर बदलाव के लिए जो भी उनके मूल जो मूल बातें थे बातें थी उनकी, और वो जो मेथड जो रास्ते उन्होंने अपनाए उन रास्तों को आज सियासी दल, सामाजिक संगठन और सरकारें लगातार क्यों, आखिर कौन से वो कारण हैं जिनको वो पीछे साफ छोड़ते हुए नजर आ रहे हैं, ऐसा है क्या, जो मेरा सवाल है क्या वो छोड़ते हुए नजर आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं, बहुत कम संक्षिप्त में। आम आदमी अभी कोई मान नहीं रहा है क्योंकि ऊपर से सेंट्रलाइजेशन, उसको ठीक से समझिए, गांधी का बहुत मूल सूत्र एक ही था कि हमारे जो आजादी का संघर्ष है वो अंग्रेजों को भगाने के लिए नहीं है, अंग्रेजी व्यवस्था के विरुद्ध है, अंग्रेजियत के विरुद्ध है, इस अर्थव्यवस्था के, इस शिक्षा व्यवस्था के, इस राजनीतिक व्यवस्था के विरुद्ध है। अंग्रेज 10-5 हजार यहां रह जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, अंग्रेजियत खत्म होनी चाहिए। हमारे यहां उल्टा हुआ,
हमने अंग्रेजों को तो भगा दिया, लेकिन उस सिस्टम को बनाए रखा है। इस सिस्टम में गांधी के विचारों की स्वीकृति संभव ही नहीं हो सकती है। आप कह रहे हैं आपका जो ढांचा बना है, जो सियासी ढांचा है, उसमें संभव नहीं है, व्यवस्था है, उसमें गांधी सुटेबल नहीं है। पूरी रात देखिए, अभी हरिकेश बाबू ने बहुत एक बात कही कि गांधी भारतीय विचार, भारतीय चिंतन और दर्शन से निकले हुए व्यक्ति थे, और उसमें मैं इतना ही जोड़ूंगा कि उसी भारतीय विचार और दर्शन के आधार पर पूरी व्यवस्था वो आधारित करना चाहते थे। उन्होंने कहा था कि ये पश्चिम की जो सभ्यता, आप ये कह रहे हैं कि आज एक लाइन, ये पश्चिम की जो सभ्यता है ये भोग उपभोग पर आधारित सभ्यता है, ये अपनी गुलाम बन गई है, नष्ट हो जाएगी। भारत एकमात्र देश है जो दुनिया को इसमें से रास्ता दिखाएगा। इसलिए भारत की अंग्रेजों की लड़ाई जो है केवल अपने लिए नहीं है, ये दुनिया को रास्ता दिखाने के लिए ऐसा आइडियल कंट्री हम बनेंगे। ये था गांधी का लक्ष्य। चलिए, तो आप जब उस लक्ष्य को ही नहीं मानते हैं, आप उसी बेस्ट को केवल अंग्रेजों को भगा करके उसी अंग्रेजी सिस्टम को, उसी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को, उसी पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी को और उसको पुष्ट करने वाली शिक्षा व्यवस्था को, प्रशासनिक व्यवस्था को मानते हैं, तो उसमें गांधी रहेगा कहां? चलिए, एक एक जी, गांधी ने बड़ा क्लियरली किया था जब नंदलाल बोस से उनके चिट्ठियां लिखी जा रही थी और वो किसानों का एक एग्जीबिशन चाहते थे, तो उन्होंने नंदलाल को कहा कि मैं एक म्यूजियम नहीं चाहता हूं, मैं नहीं चाहता एक प्राचीन भारत हमारे किसानों के सामने आए, मैं इस एरिया में बिजली भी चाहता हूं, क्योंकि मैं लोगों को दिखाना चाहता हूं कि अगर उनके गांव तक बिजली पहुंचे तो उनका जीवन कितना बेहतर होगा। तो मॉडर्नाइजेशन के वो खिलाफ नहीं थे, लेकिन सिर्फ अंग्रेजों की रीस करने के खिलाफ थे। जी, आज हमारे पास समय कम है, हम देख रहे हैं नीतीश जी जो हैं गांधी रथ वहां से फ्लैग ऑफ कर रहे हैं, हम 100 साल की यात्रा को हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, मना रहे हैं। हरिकेश जी, आप चूंकि आप और सुनीत जी दो ही हैं जो राजनीतिक क्षेत्र से आते हैं, आपका लंबा अनुभव है, आपने सोशलिस्ट पॉलिटिक्स को भी देखा है, कांग्रेस की सियासत को आपने बिल्कुल अंदर में रह के देखा है और आज भी कांग्रेस को आप देख रहे हैं, मेरा सवाल ये है कि भारतीय राजनीतिक दल को ऐसा क्या क्या मजबूरी है जो गांधी के जो मेथड्स थे उसको उन्होंने छोड़ दिया है, उनको लगता है कि रेलिवेंट नहीं है? देखिए, एक चीज आपको मैं बताऊं, अभी अवधेश जी ने एक बात कहा ना कि अगर आप पढ़ रहे थे, आपने उसका जो वो कहा गांधी जी ने जो कहा, थोड़ा सा स्वार्थ से हट करके जब आदमी काम करने लगता है तब उसको कुछ आत्म शांति भी मिलती है और उसका उद्देश्य पूर्ण भी होता है, उससे लोग जुड़ते भी हैं। आज हम सारे राजनीतिक दलों की एक विशेष पिपासा, मतलब आप कह सकते हैं कि डेवलप हो गई है, वो ये है कि कैसे सत्ता प्राप्ति की जाए और पाई हुई सत्ता को कैसे जाने न दिया जाए। उस प्रक्रिया में जहाँ जहाँ उनको लगता है कि गांधी का कोई सिद्धांत उसको अनुपालन करने से, उसका अनुसरण करने से हमको लाभ मिल जाएगा, वो तो कर लेते हैं। जहाँ उनको लगता है कि इसका पालन करने से हम उस अपने उस उद्देश्य की पूर्ति नहीं कर पाएंगे, तो वहाँ पर वो उसको तिलांजलि दे देते हैं। यानी गांधी को अपनी आवश्यकता के अनुसार, अपने स्वार्थ के अनुरूप लोगों ने अपनाना और छोड़ना शुरू कर दिया है, और खासतौर से राजनीति के लोगों ने। इसीलिए आज राजनीति एक मतलब रचनात्मक कम या रचनात्मक होते हुए भी एक विध्वंसकारी रूप भी धारण कर रही है, क्योंकि जिस तरह की सारी शक्तियां डेवलप हो रही हैं राजनीति में, वो बता रही हैं कि लोग केवल किसी तरीके से सत्ता हासिल करने के बाद, तो चाहे कितने पुराने इतिहास में चले जाइए, रावण काल से लेकर के और वर्तमान काल तक, सत्ता जब मिलती है जिसको तो कुछ तो अच्छे काम वो करता ही है। रावण भी कुछ अच्छे काम किया। गांधी का जो सवाल, गांधी के जो मेथड है वो आज एंटीथेसिस हो गया एक तरह से इस तमाम सियासी दलों के लिए। भारत लोग अपनी आवश्यकता अनुसार गांधी जी का इस्तेमाल करने की कोशिश कर लेते हैं, लेकिन उसका उनको उनके जो मूल विचार थे वो आज उनके मूल विचारों को उनको जरूरत नहीं है, क्योंकि वो स्वार्थवश अपने स्वार्थ की सियासत कर रहे हैं, सिर्फ इतनी बात है, बस ये है। सिंपल में हम पुष्पेंद्र, बहुत कम आज सेलिब्रेशन हो रहा है नीतीश जी, प्रधानमंत्री जी, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, तमाम लोग, कांग्रेस पार्टी, देश में मीडिया, हम भी चर्चा कर रहे हैं इस पे। कुल मिलाकर के इस, आपको लगता है कि गांधी जो है आने वाले समय में जो उनके विचार हैं, इट विल बिकम मोर रिलेवेंट, ये ज्यादा हो गए, या आपको लगता है कि जो बंदूकें की और हिंसा की जो भाषा है वो कहीं ना कहीं आज जो दुनिया पे हावी है
वो चीज और गांधी के मेथड्स को विचारों को पीछे छोड़ देगी। दिलीप, एक सर्किल होता है इस पूरी चीज का, अहिंसा से बात चलते चलते आज पूरी दुनिया के अंदर जो है वो, जो अवधेश जी ने कहा कि यूएनओ भी मनाता है गांधी की बात लेकिन उनके सच की बात नहीं मनाता, लेकिन आप ये देखें कि ये जितना भी कुछ हो रहा है इनको आखिर में जाके खत्म तो होना ही है। एक भड़ास, एक जितना भी गुस्सा है निकलने के बाद आदमी शांत होता है तब फिर वो बहुत सारी नॉर्मल बातें करता है। लेकिन एक बात देखें कि हमने महापुरुषों के जन्मदिन पे छुट्टी, और उस छुट्टी के अंदर कुछ लोग पिकनिक मनाने जाते हैं, कुछ लोग बाहर चले जाते हैं, कुछ लोग अपने काम निपटाते हैं। बच्चे से पूछा गया, एक सेकंड, एक बच्चे से पूछा गया कि ये इन लोगों का क्यों महत्व है, कुछ वैसे महापुरुष गांधी जी, कहा कि इसलिए कोई छुट्टी दिन पैदा हुए थे। मैं जो बात कहना चाहता हूँ कि इसी बीच में आप एक कल का फैसला देखें, एक सरकार उत्तर प्रदेश का, वहां मुख्यमंत्री ने ये कहा कि जितने भी महापुरुषों के हम ये दिन मनाते हैं आज अंबेडकर जयंती, वो छुट्टी कर देते हैं। उन्होंने कहा कि आपने शिक्षा का जो 365 दिन में से घटा के 120 दिन कर दिया है, आपने इतनी छुट्टियां, हमारे देश में वैसे फेस्टिवल भी बहुत होते हैं, उन्होंने कहा आप उस दिन छुट्टी ना करें और स्कूल खोले और स्कूल में उस महापुरुष के बारे में 2 घंटे बताएं। दूसरी बात जो बड़ी है दिलीप, कि आखिर में चीजें आएंगी वहीं गांधी के उस पे रास्ते पे, लेकिन एक पूरा सर्किल पूरा होने के बाद। लेकिन जो कमी की बात है, मैं ये कह रहा हूं कि गांधी को हम 1917 से लेकर 48 तक की अगर बात करें तो मात्र 48 साल है, और 48 के बाद से गांधी की आज देखें उम्र तो 69 उसमें प्लस करते हैं तब ये 100 साल आपके चंपारण के होते हैं। हम 69 ईयर में हमने गांधी जैसा कोई गांधी पैदा नहीं किया, और गांधी जैसा कोई पैदा नहीं किया उसके लिए बहुत सारे वो कारण है कि जो गांधी के साथ ने, जैसे कहा अवधेश जी ने कि गांधी जी को उसी वक्त रिलेवेंट बना दिया, यानी गांधी जी उस वक्त तक तो ठीक थे जब तक अंग्रेजों से लड़ने के लिए उन्हें एक मांस का एक हड्डी का आदमी चाहिए था, लेकिन जब सत्ता के अंदर वो बात उतारने की बात की तो पता चला कि उनको रिलेवेंट कर दिया कि साहब ये तो हमारे एजेंडे में नहीं था। इसलिए कह रहा हूं कि जब नोआखली में दंगा होता है तो गांधी जी कोई ब्लैक कैट के साथ वहां नहीं गए थे, उनका अंदर जो आत्मबल था जिसके तहत वहां गए, लोगों के बीच में गए, दंगाइयों के बीच में गए, लोगों ने हथियार रख दिए, गांधी पे गोली नहीं चलाई। लेकिन इसी कांग्रेस ने जो गांधी के दम पे आज तक गांधी को भुनाती है, यह बात अलग है कि कुछ लोगों ने नकली नाम अपने गांधी लगाकर कहते हैं हमारी गांधी है, वो 1991 में कश्मीर में जब एक तरफ लोगों का नरसंहार हो रहा था तो किसी कांग्रेसी का इतना आत्मबल नहीं था कि वहां उनके बीच में जाकर रोकता। आज जब वो लोग सड़क पे खड़े हुए तो यहां से लोग आंसू तो बहाते हैं वोट बैंक के लिए, तो यह फर्क आया है। जी मारते हैं, अरे चलिए चलिए लास्ट वीकेंड एक आदमी को इसको गाड़ी से बांध के चलाते हैं। कल के लिए क्या गांधी कितना उनका जो मेथड है आपको लगता है, बहुत एक शब्द में सेंटेंस में चाहेंगे वो कल रेलेवेंट रहेंगे। मेथड चलेगा लेकिन वहां तक चलेगा जहां तक समाज की लहर जो चल रही है उसके काम आएगा। एक मात्र दुनिया में गांधी का ही विचार है जो कि मैंने कहा था सार्वकालिक सार्वदेशिक है और एक यूनिवर्सल ट्रुथ है वो, इसलिए उस यूनिवर्सल ट्रुथ पर दुनिया को आना ही पड़ेगा, कोई चारा ही नहीं है। इस भोग से, इस तनाव से, इस संघर्ष से दुनिया मुक्ति चाहती है, और उस मुक्ति का मार्ग कहीं मिल सकता है तो गांधी के विचारों में ही मिल सकता है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद अवधेश जी, पुष्पेंद्र जी, हरिकेश जी और सुनील चोपड़ा जी, और आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद।